व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजन डब्बा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डाउनलोड बटन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, और उसके ही एंड में मैंने आपको बताया था कि आप हॉवर इफेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हो। हॉवर इफेक्ट मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको रन करता हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर मैं अपना माउस लेके जाता हूँ, मैं क्लिक नहीं करता, बस ऐसे ही विजिबल करके जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कोई और कलर दिखाना चाहिए था। जो मैं इस पर प्रेस कर विदाउट प्रेस किए मैं ऐसे वैसे लेके आता, तो मुझे कोई अलग कलर दिखाना चाहिए था, अलग कलर शो करना चाहिए। उसको हम लोग कहते हैं हॉवर इफेक्ट। मैं आपको बताता हूँ उसका कोड कैसा है। उसके लिए आपको CSS यूज़ करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ क्या है उसका कोड। बटन हॉवर और कर्ली ब्रेसेस एंटर। मुझे सिर्फ लिखना है बटन, इसलिए बिकॉज मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ, इसको मुझे दिखाना है राइट, कि हम लोग ने डाउनलोड बटन मतलब ऐसा ही बटन क्रिएट किया ना। ये मेरा बटन है, मतलब उसको टैग बटन का यूज़ किया हम लोग ने HTML। मैंने इसलिए डॉट बटन, फिर ये हॉवर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर, लेट्स टेक रेड लिखता हूँ, ठीक है। सेव कर देता हूँ, इसको रन करता हूँ। देखिए, मैं जैसे इस पर लिखे आता हूँ, देखिए इसका कलर चेंज हो गया राइट। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एक वाली ले दूँ, ठीक है। समय को रन करता हूँ इसको। एक ही रेड देखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।